देखिए 5xy कॉमा -2xy कॉमा -11xy कॉमा 8xy। देखो बेटा एड का मतलब क्या होता है, हम बता रहे हैं एड का मतलब होता है प्लस। प्लस हमें कहां कहां लगाना है बेटा, जहां जहां कॉमा लगा है। प्लस कहां कहां लगाना है बेटा, जहां जहां कॉमा लगा है। तो हम लिखते हैं हाँ 5xy कॉमा है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है, फिर प्लस लगा देंगे, माइनस का 11xy, फिर प्लस लगा देंगे 8xy। अच्छा ए वाला प्लस का है और ए वाला प्लस का है, प्लस प्लस क्या होता है बेटा, प्लस हो जाता है। 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13xy। और माइनस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस माइनस क्या प्लस होता है, तो 2 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अच्छा लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का आता है ना। अच्छा मुझे ये बताइए प्लस माइनस क्या होता है, तो 13 में से 13 जाएगा क्या बचेगा, अरे जीरो, वेरी बस हो गया, नहीं जीरो अकेले एक्स वाई नहीं लिखना है। सेकंड वाले में है 3a² बी कॉमा माइनस का 5a² बी कॉमा 10a² बी कॉमा माइनस का 7a² बी, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूं, हमें प्लस लगाना है 3a² बी प्लस माइनस का 5a² बी प्लस 10a² बी प्लस माइनस का 7a² बी, ठीक है। ये 3 प्लस प्लस वाले प्लस करेंगे और माइनस माइनस वाले अलग प्लस करेंगे, तो 3 प्लस 10 कितना होगा, 13 हो जाएगा, 13a² बी। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस 5 और माइनस 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 12। अच्छा ये बताइए 13 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस 1 नहीं, प्लस का बचेगा, प्लस 1 बचेगा, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है ना बेटा, a² b, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 1 लगाना जरूरी नहीं रहता है, तो हम इसको डायरेक्ट a² b लिख देते हैं, 1 लगाना जरूरी नहीं रहता। फिफ्थ वाला देखना ध्यान से, 4x² माइनस 5xy प्लस 3y² कॉमा 8x² प्लस 7xy माइनस 6y² कॉमा माइनस का 2x² माइनस का 9xy प्लस 13y², ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूं, ऐड करता हूं, तो देखिए हमें कॉमा की जगह क्या लगाना है, प्लस, तो 4x² माइनस 5xy प्लस 3y², ये पूरा एक था और फिर हमें क्या लगाना है, प्लस, फिर 8x² प्लस 7xy माइनस का 6y² और फिर क्या लगाना है, कॉमा आया तो प्लस, ठीक है, माइनस का 2x²
माइनस का 9xy प्लस का 13y स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे ऐड करेंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। इसमें हमें लाइक टर्म साथ में लिखना है, जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें साथ में लिखना है। लाइक टर्म्स देखिए, लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, 4x स्क्वायर प्लस का 8x स्क्वायर। देखिए मैंने पहले a लिखा और a लिखा, माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने प्लस लगाया, अब मैंने लाइक टर्म कौन से हैं, a वाला माइनस 5xy प्लस का 7xy माइनस का 9xy, फिर प्लस लगाया, अब a वाला 3y स्क्वायर माइनस का 6y स्क्वायर प्लस का 13y, बस ठीक है। हाँ बोलो, हेलो। आप देखिए 4 प्लस 8 कितना होता है 30 और 12, और 12 में से सॉरी 12x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। सेम इसी तरीके से करेंगे, a माइनस का है और a भी माइनस का, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा 14, 14xy और प्लस का 7xy प्लस 3 में 13 ऐड करेंगे तो क्या बचेगा 16y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 12 में से 2 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 10 बचेगा। अच्छा बेटा माइनस प्लस माइनस होता है, 14 में से 7 गया तो 7 बचे, लेकिन वो माइनस का बचेगा, क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, माइनस की डिजिट क्या है बड़ी है, ठीक है। अब देखिए 16 में से 6 माइनस किया तो क्या बचेगा 10, ठीक है। 10x स्क्वायर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो माइनस आ जाएगा 7xy प्लस का 10y स्क्वायर, ये आपका आंसर। सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट मींस होता है माइनस, और इसका मैं पहला वाला करवाता हूं, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है, 3x माइनस 5 फ्रॉम 8x माइनस 17, सॉल्व करता हूं। अच्छा फ्रॉम का मतलब क्या होता है पहले मुझे ये बताओ। हाँ फ्रॉम मतलब होता है बाद वाले में से पहले वाले, क्या होता है बाद वाले में से पहले वाले को, तो 8x माइनस 17 माइनस 3x माइनस 5, ठीक है। अब ध्यान से देखना 8x माइनस 17, ये जो माइनस है वो अंदर जाएगा तो साइन बदल देता है, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाए। हाँ अच्छा 8x में से 3x गए कितना बचा 5 है। अच्छा माइनस 17 और प्लस 5, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 17 में से 5 माइनस किया तो क्या बचा माइनस का 12, ठीक है ना। क्यों आया माइनस 12, क्योंकि 17 में से 5 गया तो 12 बचा, लेकिन साइन माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि 17 का साइन माइनस बड़ा है, 17 डिजिट बड़ी है, ठीक है ना।
चलो इसका एक और करवाता हूं मैं, फोर्थ वाला करवाता हूं, थ्री बाई स्क्वायर माइनस एट बाई प्लस सेवन फ्रॉम नाइन बाई स्क्वायर प्लस फाइव बाई प्लस सिक्स। ठीक है, देखना ध्यान से देखना, मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूं। फ्रॉम मीन्स होता है बाद वाले को पहले लिखो और पहले वाले को बाद में लिखो, तो नाइन बाई स्क्वायर प्लस फाइव बाई प्लस सिक्स, फिर आएगा माइनस का साइन, थ्री बाई स्क्वायर माइनस का एट बाई प्लस का सेवन। ठीक है, फिर क्या आएगा, नाइन बाई स्क्वायर प्लस का फाइव बाई प्लस का सिक्स, ये माइनस अंदर चला जाएगा, इन सारे नंबर के जो भी साइन है वो पलटा देगा। थ्री बाई का साइन क्या है, थ्री बाई स्क्वायर का प्लस है तो माइनस कर देगा, एट बाई का साइन माइनस है माइनस की जगह प्लस कर देगा, सेवन का प्लस है तो प्लस की जगह माइनस कर देगा माइनस सेवन। ठीक है, अब देखिए हमें लाइक लाइक टर्म्स एक साथ लिखने, नाइन बाई स्क्वायर को किसके साथ लिखना है, थ्री बाई स्क्वायर। ठीक है, और फाइव बाई को किसके साथ लिखना है, एट बाई के साथ, फाइव बाई प्लस एट बाई। फिर सिक्स को किसके साथ लिखना है, माइनस सेवन के साथ, सिक्स माइनस सेवन। अच्छा, नाइन में से थ्री जाएगा तो बचेगा सिक्स बाई स्क्वायर, और फाइव में एट ऐड होगा तो बचेगा थर्टीन बाई, और प्लस माइनस माइनस होता है तो सेवन में से सिक्स गया तो बचेगा वन, लेकिन आएगा माइनस का वन क्योंकि सेवन बड़ा है, माइनस की डिजिट बड़ी है, माइनस की डिजिट क्या है, बड़ी है। ए आपका हो गया आंसर, क्या हो गया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद देखो क्या सॉल्व करेंगे, फ्रॉम मीन्स होता है इसमें से इसको, तो पहले मैं इसको लिखूं, एट क्यूब माइनस नाइन एम स्क्वायर प्लस का फाइव एम माइनस का टू, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे फाइव एम क्यू माइनस का थ्री एम स्क्वायर प्लस का सेवन एम माइनस का एट। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एट एम क्यू माइनस का नाइन एम स्क्वायर प्लस का फाइव एम माइनस का टू, ए माइनस अंदर जाएगा इनमें तो माइनस का फाइव एम क्यू, ए प्लस का था इसलिए माइनस का, और ए माइनस का इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ए प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ए माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। आप लाइक लाइक टर्म्स एक डिब्बे में लिख लेंगे, कौन सा, एट एम के साथ क्या है लाइक टर्म क्या रहेगा, अरे फाइव एम क्यूब था इधर, है ना, फाइव एम क्यूब, एट एम क्यूब माइनस का फाइव एम क्यूब। ठीक है, फिर एम स्क्वायर ना, हाँ फिर प्लस लिखेंगे, नाइन एम स्क्वायर और प्लस फाइव एम माइनस सेवन एम। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, प्लस लगाना है, माइनस का टू प्लस। ठीक है, अब देखिए
थ्री एम क्यूब क्या आएगा बेटा, 3m क्यूब। फिर आएगा प्लस माइनस, माइनस होता है और माइनस का 6m स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर, ठीक है ना। फिर 5 प्लस माइनस, माइनस होता है और आएगा माइनस का 2m m। फिर इधर क्या आएगा, प्लस का 6, ठीक। अब देखिए 3m क्यूब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6m स्क्वायर ए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2m प्लस का 6, ए आपका आंसर। ठीक है, ओट्स ट्रायंगल की एक साइड है 2p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 और दूसरी साइड है 11p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 5, ठीक है, दो साइड है। तो वो बोला थर्ड साइड क्या होगी, थर्ड साइड क्या होगी, ठीक है ना। आपको इसका पेरीमीटर भी दिया है, इसका पेरीमीटर आपको गिवन है। देखिए ध्यान से देखना मैं कैसे करवा रहा हूं। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है, 7p स्क्वायर माइनस का 8p प्लस का 9, क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। और पेरीमीटर आपको दिया है 7p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 9, मतलब पेरीमीटर आपको सम ऑफ ऑल साइड मतलब फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड और थर्ड साइड, ठीक है, 7p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 9। हाँ, फर्स्ट साइड क्या दी है आपको, 2p स्क्वायर माइनस p प्लस 1, 2p स्क्वायर माइनस p प्लस 1, फिर प्लस लगाया। सेकेंड साइड क्या है, माइनस 3p प्लस 5, ठीक है। और थर्ड साइड आपको कुछ नहीं दी है, तो थर्ड को आप थर्ड ले, वो ही निकालना है आपको, इक्वल टू 7p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 9, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आप ये पूरा टर्म प्लस में है, इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ए भी प्लस में, इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो थर्ड साइड इक्वल टू क्या बचेगा, 7p स्क्वायर माइनस 8p प्लस का 9 माइनस, हम किसको ले आए इस साइड, 2p स्क्वायर माइनस p प्लस 1, और एक चीज को और ले आए, 11p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 5, दो चीज को लाए ना। देखो मैंने दोनों में माइनस लगाया, लगाया कि नहीं लगाया, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, आगे एक और स्टेप यहां पर बन सकता है, 1 अच्छा 7p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 9, ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन बदल देगा, 2p स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का 2p स्क्वायर, ए माइनस का p है तो प्लस का p, ए प्लस का 1 है तो माइनस का 1, ए माइनस का 11p स्क्वायर हो जाएगा और ए प्लस का 3p हो जाएगा और ए माइनस का 5। थर्ड साइड, अब लाइक टर्म्स क्या है, 7p स्क्वायर
और फिर कौन सा है इसका माइनस का 2p2p स्क्वायर, फिर कौन सा है माइनस का 11p स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस लगाया, फिर pp वाले लिखे माइनस का 8p, हाँ प्लस का p, फिर प्लस का 3p, फिर क्या है 9 माइनस 1 माइनस 5, अच्छा 7p स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 13p स्क्वायर, प्लस माइनस का 8p, और प्लस 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 होता है प्लस का 4p, 9 माइनस माइनस वो होता है तो माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 6p स्क्वायर, माइनस 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 प्लस माइनस होता है तो माइनस का 4p, 9 में से 6 गया तो 3, अब माइनस का 6p स्क्वायर और ये प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो माइनस का 4p प्लस का 3, क्या कोई आंसर पीछे से चेक कर सकता है? फिफ्थ वाला बेटा, अच्छा जो आपको दिया है क्या दिया है, 2x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, अच्छा ये बताइए एक कौन सा टर्म है, ट्राइनोमियल है ना, थ्री टर्म है, हाँ अच्छा इसकी डिग्री क्या है, डिग्री क्या होगी 4, क्या डिग्री होगी, क्या है कि हाँ 4 डिग्री होगी क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 4 है ना, 4 है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नहीं मैंने कुछ गलत लिख दिया है क्या, अच्छा इधर 5 है तो 5 डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। अब आपको सिक्स्थ वाला आपको घर से करना है, होमवर्क है, ठीक है, थैंक यू।